बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव आचार्य समंतवज स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करते हुए बहुत सुंदर एक मंगलाचरण दिया हुआ है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पण आये ते। नमः नमस्कार है श्री, जो अंतरंग लक्ष्मी से और बहिरंग लक्ष्मी से। श्री का प्रतीक दो स्वरूप होता है, बाह्य रूप और अंतरंग रूप। बाह्य में समोषण आदि जो वैभव संपन्न हैं, और अंतरंग में जो अनंत चतुष्टय होते हैं उनसे जो सहित हैं, ऐसे वर्धमान को मैं नमस्कार करता हूँ। निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने अपने जो कर्म कलंक थे उनको नष्ट कर दिया, जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे दर्पणाए थे, और जिनका ज्ञान दर्पण की तरह हुआ है। सालोकानाम ते लोकानाम, जो लोक सहित अलोक को दर्पण की तरह देखते हैं, जैसे दर्पण में हर वस्तु दिखती है, ऐसे ही जिनके ज्ञान में लोक और अलोक समस्त वस्तु दिखाई दे, ऐसे वर्धमान ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार आचार्य समंत व स्वामी ने किया है। हम सब लोग भी ऐसे ही भगवान को नमस्कार करते हैं। नमोस्तु महारे श्री। दीपावली पे लोग दीपक जलाते हैं, अहिंसा करते हैं, लाइटें जलाते हैं, ये क्या उचित है? दीपावली के दिन हम सभी लोग भगवान का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दीप अर्पण भी करते हैं। दीप का जो उद्देश्य है मोहांधकार विनाशनाय, कि मोह रूपी जो अंधकार है वो नाश हो जाए, इस पवित्र भावना से हम दीप अर्पण करते हैं। गोधूलि वेला में भी दीपक घर में जलाते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान का दीपक सदा जलता रहे इस उद्देश्य से। यद्यपि आज के दिन दीपावली के दिन लोग बहुत दीपक जलाते हैं और मंदिरों में लाइटिंग आदि भी करते हैं। देखिए, आचार्य समंत व स्वामी ने इसका जवाब दिया है कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म बिल्कुल अलग अलग है। श्रावक धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है और मुनि धर्म की अपनी मर्यादा होती है। सावध लेसो बहुपुण्य राशव, समंत व स्वामी स्वयं स्त्रोत में कहते हैं सावध लेसो बहुपुण्य राशव, कि यद्यपि श्रावक से सावध होता है, पूजा पाठ की सामग्री तैयार करने में भी कुछ हिंसा होती है, और भी अपन मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए रथ यात्रा आदि निकालते हैं तो हिंसा होती है, मंदिर में हम बहुत सौंदर्यीकरण करते हैं, लाइटिंग करते हैं तो हिंसा होती है, लेकिन अति पुण्य भाव परिणाम में होने से, भावों में अति निर्मलता होने से, विशुद्धि होने से, सावध लेसो बहु पुण्य राशौ, बहुत पुण्य की राशि प्रकट होती है, वह पाप भी जो है पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है जो हमने पाप किए हैं। तो इसलिए श्रावकों की मर्यादा में वह अपना दीप जलाना, पूजा पाठ करना, उसके लिए सामग्री मंदिर सजाना, रथोत्सव करना, ये अनुचित कहीं भी नहीं है। हाँ, थोड़ा विवेक रखें, थोड़ा सावधानियाँ रखें, जिससे किसी अति जीव हिंसा ना हो, लेकिन कभी भी भक्ति परक कार्यक्रम में श्रावकों के लिए कहीं भी किसी चीज़ का निषेध नहीं है। अर्थात आप अपने मंदिर को सजाएं, आप दीप अर्चन करें, दीपोत्सव करें और पूजा करें भगवान की, ये सभी आपके सीमा में आता है, आपके अंतर्गत आता है, इससे आपको बहुत पुण्य की राशि प्राप्त होती है और आपकी कर्म की निजरा भी होती है और आगे चल करके मोक्ष मार्ग के लिए साधन भी मिलते हैं। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आपने जो भक्ति की है उससे होने वाला आरंभ और शारंभ भी क्षम्य होता है श्रावक के लिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। भगवान महावीर स्वामी जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोग वर्तमान में रह रहे हैं, और उनके बताए हुए उपदेश, उन्होंने कहा है श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म में दो बातों का ध्यान रखना है और मुनि धर्म में दो बातों का ध्यान रखना है। दान और पूजा ये श्रावक धर्म के कर्तव्य हैं। कोई भी श्रावक ऐसा ना हो जो दान और पूजा ना करता हो। उसे चार प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान करना चाहिए, और पूजा जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना चाहिए, जो अपने आराध्य हैं, जो अपने आदर्श हैं,
जिनको जैसा हम बनना चाहते हैं उन जैसे, उन प्रभु की हमें पूजा करना चाहिए। पूजा मतलब सम्मान होता है, अनेक प्रकार का सम्मान होता है। वो सभी सम्मान मन वचन काय से आत्मा से हमें भगवान का करना चाहिए। इस प्रकार से दान और पूजा, मुनियों को बताया भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान और ध्यान, कि हमेशा वह अपने ज्ञान में रहें और ध्यान में रहें। ये दो कार्य जो हैं वो मुनि धर्म के धर्म हैं। इन दोनों ही मुनि और श्रावक अपने अपने धर्म को पालन करते हैं तो दोनों ही मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। यथार्थता में तो मुनि ही मोक्ष मार्गी हैं और कथनचित श्रावक भी मोक्ष मार्गी है, तो दोनों ही मोक्ष मार्ग में चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसे परम उपकारी आत्म कल्याणकारी भगवान महावीर स्वामी का हितोपदेश हमारे जीवन में बहुत कार्यकारिणी है। महानुभाव, हम सभी लोग भगवान महावीर स्वामी की जो छत्र छाया बैठे हुए हैं उनका अब निर्माण उत्सव आने वाला है। द्वारका के जैन मंदिर में बहुत सुंदर पावापुरी की रचना बनी हुई है और जहाँ पर 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा विराजमान है जो स्वप्न देकर के जमीन से प्रकट हुई है, ऐसी प्रतिमा के दर्शन बड़े ही दुर्लभ मिलते हैं। आप सब लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के खड़गासन प्रतिमा के समक्ष है उनके चरणों में लाड़ू अर्पण करें, महाविधान करें, महामस्तकाभिषेक करें। और जो नहीं आ सकते हैं वो टीवी आदि के समक्ष बैठ करके देख सकते हैं, पुण्य की अनुमोदना कर सकते हैं। आप अपना उसमें सहभागी होकर के लाड़ू चढ़ाने में और अन्य कार्य में सहभागी होकर अपना पुण्य लाभ ले सकते हैं। कमेटी ने जैसे बताया कि वहाँ पर 24 लाड़ू जो हैं बड़े बड़े जो भगवान के श्री चरणों में चढ़े जाएंगे, विशेष रूप से उन परिवारों के 3 दिन तक नाम बोले जाएंगे, 13, 14, 15 तारीख तक, और बाकी सामान्य लाड़ू और मस्तकाभिषेक, महाविधान, महाशांति धारा होगी। आप सब लोग, सारी परिवार जो देश में, विदेश में, घर में, पर कहीं भी रह रहे हैं उन सब के नाम से करवा करके आप आत्म लाभ ले सकते हैं और सुख संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्न त्रय जिन मंदिर द्वारका के, जहाँ विराजित है भूगर्भ से प्रगटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य देवी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 ही भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशा पूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी है। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में होमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेल गोला नहीं जा पाते हैं वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का प्रथम अभिषेक और महाशांति धारा
अस्य क्षेत्र रत्नत्रय जमंदिर द्वारका की देख रहे हैं, जहाँ पर विराजमान हैं भगवान महावीर पारसनाथ स्वामी, जिनकी मनोज्ञ प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा और अश्यकारी है, 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट। आज महाशांतिधारा में चार परिवारों के नाम आए हुए हैं और आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण योजना चल रही है, उसमें दो परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी परिवारों को बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप अपने नाम शांतिधारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालचंदं श्रीविश्वादि महर्पर्यंतं चतुर्विंशतिः तीर्थंकर परम देवाधनामाधे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारतदेशे दिल्ली प्रांति श्रीरत्नत्रय जिनमंदिरे श्रीविनिर्माण 2540 बिको संबद 2076 माशान माशे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे तिथौ द्वादशी ही दिन गुरुवासरे मुनि अर्का श्राव साहब का नाम इति संपूर्ण जलाभिषेकम करोमीति स्वाहा। नमः श्रीदेव्या श्री वितरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंडे खंडे हन हन द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरें जं जीं चीं हं सं जं मं पः छां चीं चूं छं 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 छे ह्रां ह्रीं रूं रं 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 रे द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं श्रीमती बीनू जैन पत्नी आशीष कुमार जी जैन जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री नरेंद्र जैन श्रीमती सुदेश रानी जैन पुत्र श्री विपिन जैन पुत्र वधु श्रीमती संगीता जैन पौत्र अभिषेक जैन पौत्री रिद्धि सिद्धि जैन आंचल जैन वैभव जैन पौत्री दामाद सौमित जैन देवता दुर्गापुर पश्चिम बंगाल प्रीति विहार दिल्ली से शुभ संस्कार हेतु श्री पल्लव जैन के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर श्वेता जैन अर्चित जैन अश्युत जैन ऋषभ जैन कलकत्ता निवासी श्री विजय जैन काला श्रीमती रूपम जैन काला सादतगंज लखनऊ से शुभ संस्कार हेतु सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी के समक्ष बैठकर देखने वाले एवं सकल जैन समाज से सर्व विश्व जीव श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो शिवमस्तो जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तो समृद्धिरस्तो सुखमस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो एवं कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ध सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थी तंकराय अनंत चतुष्टये सहताय उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म चेकराय अजराय अवाय अस्माकं व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो श्री जिनाव से पूजन शांति दादा प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रचिनासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व कपत विनाशनाय सर्व प्रकोप पुत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट सर्व शामर डावर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रम रहसिया उषा नमः अस्माकं सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु नमः स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं चिन्चिन्दां विन्दे सर्व जीव महामारीं चिन्द चिन्द बिन्द बिन्द सर्व वेदनीयं चिन्द चिन्द बिन्द बिन्द सर्व मोहिनीयं चिन्द चिन्द बिन्द बिन्द सर्व कर्माष्टकं चिन्द चिन्द बिन्द बिन्द कोरोना महामारीं चिन्द चिन्द बिन्द बिन्द ओम अशभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व शांति धारा कर्ता नंदनम सर्व दुख
खम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांति ग्रह श्री सबनाथ इंद्राय नमः। यः सुखं त्रिलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितं अव्ययमक्षेमम् आरोग्यं सस्थिरस्तु विधीयते शम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्यतपोदनानां देशाष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य रागिं करोतं शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं पार्थना जिनेन्द्राय मार्गं नरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनराज से तत्शिष्य परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनराज के चरणों में जलादि अर्घं नरपामिति स्वाहा। परम दीवादनावादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्र अरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते श्री 1008 रत्न त्रय जिन मंदिर श्री विनिर्माण 2546 विक्रम संवत 2076 आषाढ मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन गुरुवासरे मुनि अर्का श्राव साहब का नाम इति संपूर्ण अर्घम नरपामिति स्वाहा। पहली आरते सिरे जिन राजा भवे दधि पार उतार जिहाजा दूसरी आरते से धन के रे सुमिरन करत मिटे भव फेरी। जय जिनेन रत्नत्र जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज हमारे पास दो नाम आए हैं, वे इस प्रकार हैं। श्री ध्रुव मिश्रा, सुपुत्र समीर मिश्रा, सुरभि मिश्रा, द्वारका सेक्टर 10 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। दूसरा नाम है श्री कैलाश चंदी जैन छावड़ा जयपुर वालों की तरफ से, इनके लिए बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। एवं आने वाले समय में रत्नत्र जिन मंदिर जी में धनतेरस पर्व के शुभावसर से लेकर दीपावली पर्व तक श्री 1008 मनसापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा। एवं रत्नत्र जिन मंदिर जी में 1100 वर्ष प्राचीन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जी का महामस्तकाभिषेक होगा। एवं मंदिर जी में 24 तीर्थंकरों के 24 निर्वाण लाडुओं के साथ यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा, जो जिसकी राशि मात्र 5100 रुपये रखी गई है। जो भी महानुभाव कहीं से भी हमें अपना नाम लिखा सकते हैं एवं बहुत सारे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर हम लोग रिक्शे वाले हैं, जैन मंदिर में सेक्टर 10 में हम डेली जो है 5-6 महीने से खाना खाते हैं दोपहर में। रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहां पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा जो है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी, वाइफ ऑफ श्री शरल राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्रीति, वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन, वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली।